जय हिंद साथियों। साथियों देखेंगे एक बार पुनः सारे बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके अभी आए हुए हैं। और दूसरा चीज की इस वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो जल्दी से आप लोग अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी कलम और कॉपी लेकर बैठ जाए। अभी हम आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। कम से कम तो आपको 15 प्लस इसमें सही करना होगा। यदि आप 30 में कम से कम 15 प्लस 18 19 20 कर रहे हैं तो कोई भी आपका रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन ये है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ते हैं। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिक होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है, इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? तो जल्दी से आप लोग लगाइए और उसके बाद हम अब बता रहे हैं। आपका ये हो जाएगा, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यही इसका सत्य नहीं है। बाकी जो एक क्लोरोक्वीन है वो मलेरिया के इलाज में काम आता है, या मच्छरों द्वारा फैलता है, या दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, ये सभी तीनों सत्य है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो गलत है, कौन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, कोलंबिया, सर्वेयर, पाथ फाइंडर, प्रोस्पेक्टर। जल्दी से आप आंसर लगाएंगे और मैं अब बताने वाला हूं आपको आंसर, ये हो जाएगा कोलंबिया था, जो कि 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन, गामा किरणें हैं। आपको जल्दी से इसका आंसर लगाना है। अब मैं बताने वाला हूं आप सभी को आंसर, ये हो जाएगा एक नंबर, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, यूरेनियम के ये अल्फा है, ए नहीं है, ये अल्फा है, अल्फा लिखिए देते हैं आपको हिंदी में वहां पे, अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ऐसे कर देंगे तो शायद आप समझ जाइएगा, अल्फा है। पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, आपको चार का आंसर हो जाएगा, यूरेनियम के अल्फा, यहाँ पे क्या है, अल्फा, अल्फा कणों से। नेक्स्ट, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है लचीली, तन्य, सुनम्य और भुरभुरी। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे सारे लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनम्य। जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है सुनम्य। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, अणु, मिश्रण, यौगिक तत्व। आपको जल्दी से इसका आंसर लगाना है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि अणु को और विभाजित नहीं किया है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, किसका सूर्य की परिक्रमा में, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। जल्दी से आप इसका आंसर लगाएंगे तो इसका हो जाएगा पृथ्वी, सूर्य का। निम्नलिखित में कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, वो है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है एक उत्प्रेरक। जल्दी से आप इसका आंसर लगाएंगे, ये हो जाएगा रासायनिक
प्रतिक्रिया की दर को घटा और बढ़ा दोनों सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे पहले के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर की ओर है। पित्त का उत्सर्जन होता है अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, तिली द्वारा और उदर द्वारा। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, पित्त का उत्सर्जन होता है किसके द्वारा, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में होता है। आपका 10 का आंसर जल्दी से आप लोग लगाएंगे, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, कॉपर सल्फेट का घोल जल में, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं करता, बेरंग होता है। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना होगा 11 का। तो ये नीले लिटमस को लाल बना देता है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक अमिश्र है, इसका आयोनियन निम्न है, यह एक सहसंयोजक अमिश्र है, यह जल में घुलनशील है। 12 का आप लोग जल्दी से आंसर लगाएंगे तो इसका ये हो जाएगा, इसका आयोनियन निम्न है। 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एक त्रिधारी अम्ल का अणु भार 176 है, इसका समतुल माने इक्विवेलेंट भाग होगा 176, 88, 58.66, 352। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे, बताओ 58.66। एक त्रिधारी अम्ल का अणु भार 176 है, इसका समतुल भाग होगा 58.66। नेक्स्ट, तांबे की मिश्र धातु है, आप लोगों को ये बार बार क्वेश्चन मिला होगा, तांबे की मिश्र धातु है, बताइए जैसे तांबा, पीतल, पीता, तांबा और जस्ता, तो 14 का आपका क्या हो जाएगा बी, तांबे की मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र खींचने में जिस धातु की हैलाइड का प्रयोग होता है वह है, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग है वह है तांबा, सोडियम, चांदी, कैल्शियम, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। 15 का सी हो जाएगा, चांदी। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह होता है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, आप देखिए कार्बो हाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक, वसा, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का 4, क्या नहीं लेना चाहिए, तो वसा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है CuMZn, CuFeMZn, CuZn एवं Ni, CuSn एवं Pb, जल्दी से इसका आंसर लगाइए, इसका ये हो जाएगा CuZn एवं Ni, CuMNi, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल, सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, CHCWH, आपका 18 का ये हो जाएगा, H सीसा संचायक में होता है, आपको 18 का आपका C हो जाएगा ना, वही तो H2SO4 हो जाएगा, सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4। थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार इसको, नेक्स्ट, क्योंकि ऑप्शन इधर उधर हो। 19 नंबर, निम्नांकित में किसमें कोबाल्ट होता है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन B12, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट होता है, आपको जल्दी से 19 का आंसर लगाना होता है, विटामिन B12 कोबाल्ट होता है।
नेक्स्ट 20 नंबर, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह और सिलिकॉन। जल्दी से बताइए पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो आपका आपको पता है क्या है सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जल्दी से ये भी क्वेश्चन आप लोग बताता है, ये जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को बता दी एक लड़की, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशाल जीवित स्तन पाई है? बता दो, ये भी क्वेश्चन बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ। नीली व्हेल, सही है नीली व्हेल। नेक्स्ट 23 नंबर देखेंगे, बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है बेहतर घर्षण, निम्नतर घर्षण बेहतर प्रतिक्रिया बल और निम्नतर प्रतिक्रिया बल। जल्दी से आपका इसका आंसर दे दीजिए, 23 का सी हो जाएगा, बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु यानी गिरने से छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि छोटा कदम निश्चित करते हैं बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का भारी आभासी मान सभी स्थानों पर बढ़ेगा, सभी स्थानों पर घटेगा, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा और कुछ स्थानों पर बढ़ेगा और अन्य अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है इसकी सतह पर का आभासी मान सभी स्थानों पर एक सा होगा। चालू करो थोड़ा फैन। द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक, द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा ऊर्ध्वाधर संतुलन में, क्षैतिज संतुलन में, क्षारीय होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्षारीय होगा, क्षारीय संतुलन में, और इनमें से कोई नहीं। 25 का आप लोग आंसर देखेंगे, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से आर बिंदु पर स्थित, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी बराबर आर, अब आपको ग्रेटर देन आर, अब लेस देन आर है, आपको फिर से है लेस देन इज इक्वल टू आर भी है, तो आप देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। 26 का 3 होगा, लेस देन आर हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु में कौन सा बंध उपस्थित है? हाइड्रोजन अणु में कौन सा बंध उपस्थित है आपको बताना है, आंसर लगाइए जल्दी से। हाइड्रोजन अवबंध, सहसंयोजक अवबंध, आयनिक अवबंध और धात्विक अवबंध, इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। हाइड्रोजन अणु में कौन सा अवबंध उपस्थित है? आपको 27 का भी हो जाएगा, सहसंयोजक अवबंध, सहसंयोजक अवबंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से, बुझा हुआ चूना से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है बी जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुक्त होता है, गोबर गैस में मुक्त होता है, जल्दी से बताइएगा, और आप देखते हैं आंसर मार दिए होंगे मीथेन। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर और आज का लास्ट, हाथ से गैस का रासायनिक नाम ये भी आप लोग देखते ही बता दीजिएगा, N2O। तो आज के क्लास में ये 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर की ओर था, माने समझ रहे, कहने का मतलब पहले क्वेश्चन के मुकाबले हर दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको हिला के रख देते हैं, तो घबराना नहीं है, कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपको करने होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो 50 प्लस कम से कम आपको स्कोर करना होगा कम से कम। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।